हेलो एवरीवन, दिस इज यश। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है हाउ डू आई गेट रेडी फॉर एडिट गाइस। तो गाइस, पहली चीज़ आपको बता दूँ कि मैं अपने ऊपर लेकर आया हूँ ये चीज़, क्योंकि जो चीज़ मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि लड़कियों को क्या पसंद होता है अगर पहली बार आप उसे डेट पे मिलने जा रहे हो। तो मैं आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक पहली चीज़ आपको बता दूंगा इसकी, अगर कोई लड़की आपको पसंद करते हैं तो आपके कपड़े से, आपके शूज़ से, आपकी शक्ल से, आपके बाल से, वो चीज़ों से प्यार नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको जेन्युइनली, अगर आप लोग दिल से अच्छे हैं तो आप लोगों को उसी चीज़ से पसंद कर लेगी, उसको और कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं बहुत लोग जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग आपको ध्यान रखने हैं कि लड़की को थोड़ी चीज़ सामने से पसंद आ जाए, कि ऐसा क्या करना है आप लोगों की लड़की सामने देख के आपको पसंद कर ले कि हाँ यार इसमें वो बात है जो और लोंडो में नहीं है, ठीक है। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें बोलने वाला, उसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करना है, सिंपल अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है। सो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं डेट से मिलकर तो आ गया पर लड़की मुझसे बात नहीं कर रही है। सो इसी चक्कर में एक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहेगी आप लोगों के लिए जो लोग लवर्स हैं। सो प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखना गाइस। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग डेट पे मिलने जा रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को एक ब्लैक कलर की शर्ट पहननी है, बिल्कुल प्लेन। और जींस की बात करें तो जींस में आप लोग पहन सकते हैं रफ लुक की ब्लू कलर की जींस, जो कि बहुत प्यारी लगेगी, ब्लैक के ऊपर प्रॉपर मैचिंग रहेगी उसकी, ठीक है। अगर आप लोग उसमें ब्लैक भी नहीं तो व्हाइट पहनते हैं तो आप लोग व्हाइट भी बिल्कुल प्लेन टी शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट या फिर शर्ट, ठीक है। लेकिन जींस जो होनी चाहिए वो जींस आपकी डेनिम होनी चाहिए, डेनिम इन द सेंस मेरी कि फटी हुई थोड़ी सी रफ लुक में होनी चाहिए, ठीक है। और शूज़ की बात करें तो ब्लैक पहनना है तो आप उस पर वाइट शूज़ पहन सकते हैं, अगर वाइट पहनना है तो भी उस पर वाइट पहन सकते हैं आप लोग, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, तो फिर भाई खचरे वचरे लगोगे कुछ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना सिंपल बन के जा सके उतना सिंपल बन के जाना है। आप लोगों को ये नहीं गले में माला पहन ली, ठीक है, बटन खोल ली शर्ट कैसे, नहीं बिल्कुल नहीं। आप लोगों को दो शर्ट के बटन इतने हैं, बस इतने खोल के रखने हैं, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। इतने शर्ट के बटन आपको खोल के रखने हैं, ठीक है। और आप लोगों को ब्लैक कलर की शर्ट पहननी है तो, या फिर आप लोगों को वाइट कलर की शर्ट पहननी है, ठीक है। तो टी शर्ट या शर्ट वो आपके ऊपर है, बाकी जो जींस रहेगी वो प्लेन ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जाके थोड़ा सा अगर फटी रुक में हो, ज़्यादा फटी हुई नहीं, खचरे लगोगे भाई, थोड़ी सी फटी हुई हो, ठीक है, थोड़ी सी रफ लुक में हो और नीचे शूज़ पहने ना, बस इनफ है, ठीक है। सो पहली टिप्स ये हो गई। टिप ये रहेगी कि अगर आप लोगों के बियर्ड एकदम भर के आते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर बियर्ड रख के जानी है। अगर आप लोगों को ऐसे थोड़ी थोड़ी साइड साइड में बियर्ड आ रही है जैसे मेरे आ रही हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ऐसे बियर्ड आ रही है तो आप लोग अपना प्रॉपर क्लीन शेव करके आप लोग अच्छे से अपने बाल सेट करके चले जा सकते हैं, ठीक है। अगर बियर्ड आप लोगों के नहीं आ रही है फिर भी आप लोग ऐसी बियर्ड रख के जाना है तो बहुत ही अजीब लगेंगे गाइस, जैसे मेरे अभी लग रही है, ठीक है। तो अभी तो मैं कहीं डेट पर जा नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है। सो ये है ना कि अगर आप लोगों के घनी बियर्ड आती है तो आप लोग प्रॉपर बियर्ड रख के जाएँ, अगर आप लोगों के बियर्ड नहीं आते अच्छे से तो बिल्कुल काट के। बहुत से लोग एक चीज़ में और ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जैसे वो अगर मिलने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, परफ्यूम पूरा ऐसे भर लेते हैं, भाई बहुत लिया भाई, आज ही बन जाऊंगा भाई सारा खुशबूदार, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना खुशबू बदबू में बदल जाती है, ठीक है। सो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोगों को ज़्यादा ऐसे लगा के नहीं जाना बिल्कुल भर भर के, आप लोगों को सीधा क्या करना है, थोड़ा सा इधर लगाना है लेफ्ट में और थोड़ा सा लेफ्ट में आर्म्स के पास, ठीक है। सो यहाँ पर लगाना बहुत इनफ रहेगा, और ज़्यादा यार फालतू का मत लगाना, ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा सा, नहीं तो भाई कुछ उल्टा ही लगेगा, ठीक है, मतलब खुशबू एकदम बदबू सी बदल जाएगी, ठीक है। सो आप लोगों को इधर थोड़ा सा लगाना है और एक लेफ्ट साइड में लगाना है और एक राइट साइड में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, बस इनफ रहेगा। सो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, तो अब ये गलती सुधार लेना आप लोग। चौथी गलती जो ना हर बंदा करता है वो होता है टशनबाजी मारना लड़की के सामने। सो गाइस, टशनबाजी मारना अगर आप लोग छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़की के सामने यार लड़की को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप बदमाश हो, आप कौन हो, आप लोगों का पैसा है नहीं है, लड़कियाँ पैसों से जज नहीं करती, ठीक है, हर लड़की क्या कोई नहीं करती पैसों से जज, ठीक है। सो में से कोई एक होगी जो पैसों को लेकर जज करती होगी, बट आप लोगों को उन एक को देख के नहीं चलना है, आपको सौ को देख के चलना है, ठीक है। सो आप लोगों को कुछ अफरानबाजी नहीं मारनी है वहाँ पे कि यार मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ठीक है। सो कुछ ओवर एक्टिंग नहीं करनी, ठीक है, जो हो रियलिटी दिखाओ अपनी, ठीक है, कि आप लोग क्या हो। अगर आप लोग कोई वर्कर हो, आप लोग किसी दुकान पर काम करो, सीधा बोलो मैं दुकान पर काम करता हूँ। लड़कियों क्या ना, लड़कियों को पसंद आता है कि बंदा सच बोले, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, सबके सामने बोले जो सच है। अगर आप लोग अब उसके सामने झूठ बोल रहे हो आगे जाकर उसको पता लगेगा तो वो चीज़ ज़्यादा बुरी होगी। इससे अच्छा रहेगा कि आप लोग जो सच हो ना अभी के भी उसे बता दो यार कि मैं ये करता हूँ, क्या गलत है। पांचवी और लास्ट गलती जो हर लड़का कर देता है वो ये होता है, अगर उनके बाल बड़े हैं ज़्यादा तो वो क्या करता है, कुछ लोग चुटियाँ बना के चल जाते हैं भाई। तो भाई ऐसा मत करना भाई, ठीक है, कुछ और ही लगोगे भाई, ठीक है। सो जितने बड़े मेरे बाल हैं ना, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के बड़े बाल हैं, बड़े नहीं बड़े बाल हैं, तो उसको आपको अच्छे से कैरी करना आना चाहिए, इन द सेंस कि जैसे भी मैंने रख रखे हैं तो ऐसे रख रखे हैं मैंने बाल, ठीक है। सो अभी मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं ऐसे, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे करके रखूँगा ऐसे, ठीक है, लड़के से मिलने जा रहा हूँ, हाँ जी कैसे हो, बढ़िया। सो देखो
जनखा लग रहा हूँ माँ का, ठीक है। सो गाइस पता क्या करना है, अगर आप लोग के बड़े बाल है ना तो उसको अच्छे से या तो कैरी करना सीख लो गाइस, आप लोग ऐसे कैरी कर लो, ठीक है, सही लग रहा है आप, ठीक है, ऐसा कलम वलम थोड़ी ढंग से कर लो, ठीक है, कैरी करके चले जाओ। नहीं तो अपने बाल भाई कटवा के चले जाओ प्लीज़, ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं लगने भाई, कटवा के चले जाओ। अगर बंदी बनाइए तो भाई निभाना तो पड़ेगा, ठीक है, पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो बाल कटवा के चले जाने इससे आप भी अच्छे लगोगे यार, चार दोस्तों में दिखाई गया तो वो भी कहेगी यार हाँ डिसेंट लड़का है। लड़कियों को ना छिछोरे लड़कों ज़्यादा डिसेंट पसंद आते हैं, ठीक है, ये गले में माला पहनना, अतरंगी कपड़े पहनने से, ठीक है, लड़की पसंद नहीं करती भाई, बहुत कम करती है, ठीक है। तो आपको ऐसा बन के जा रहा है ना कि चार लड़कों में आप डिसेंट लगो, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, कोई पैसा खर्च नहीं करना आप लोगों को, आप लोग जितना सिंपल बन के जा सकते हो उतना सिंपल बन के जाना है, कोई फेक चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। सो बाल अगर आप लोगों के बड़े हैं ना तो थोड़े से कटवा लो यार, नहीं तो चुटिया उटिया बना के तो बिल्कुल ही मत जाना गाइस, ठीक है। और जैसे माथे पे ऐसे बाल आए थे तो यार ये तो छिछोरे की निशानी बन जाती भाई, ठीक है। तो बाल आप लोगों के हमेशा क्या है ना सेट रहने चाहिए, या तो आप लोग अच्छे से हेयर ड्राई बाल मार के बालों में जाओ, ठीक है, या तो बाल छोटे करा लो अगर आप लोग कैरी नहीं कर पाते हो तो। सो ये पांच चीज़ें थी जो लोग मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग थोड़ी सी अगर अपनी ज़िंदगी में अपना लोगे सो आगे लाइफ में आप लोग सक्सेसफुल रहोगे रिलेशनशिप में, अगर आप लोग प्यार करते हैं तो इससे, ठीक है। सो बाकी ये रहेगा कि अगर लड़की को आप प्यार करते हैं, लड़की आपसे प्यार करते हैं तो ये चीज़ों के बारे में ध्यान देगी, आपके कपड़े क्या हैं, आप लोग कैसे रहते हैं, आप लोग का लाइफस्टाइल क्या है, वो आपसे प्यार करेगी, ठीक है। बट अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि एक डिसेंट बन के रहें आप लोग सबके सामने, क्योंकि अगर कल को शादी भी करते हैं तो परिवार में भी ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप लोगों को कैसे सिंपल बन के रहना है, डिसेंट बन के रहना है, ठीक है। सो ये चीज़ पाँच थी कि जो लोग अगर इनमें से दो तीन चीज़ भी अपना लेकर आए तो मैं इतना दावा देता हूँ भाई कि लड़की आप लोगों के साथ एक सभ्य तरीके से रहेगी और लोग भी आपको अच्छे से देखना पसंद करेंगे, क्योंकि गाइस सच है दिखोगे तो बिकोगे, ठीक है। इन द सेंस कि अगर आप लोग दिख रहे हो तो लोग आपको अगर पास आएंगे तो भी तो आपसे बात करके पता करेंगे आप कैसे हो, अगर दूर से देखेंगे दूर से कैसे पता लगा है कि भाई तू कैसा है। तो दूर से देखने के लिए आप लोग दूर से डिसेंट लगने चाहिए कि दूर से देख के कहें हाँ भैया इसका पहनावा ठीक है, इसके बाल बाल मतलब सब कुछ डिसेंट लग रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा हूँ कि दिखोगे तो बिकोगे, मेरा मानना मतलब बोलना ये था, ठीक है। सो बाकी गाइस वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट होते हैं कि यार ऐसी वीडियो बनाओ कि हाउ डू आई गेट रेडी फॉर एडिट, तो गाइस मैं ऐसे रेडी होता हूँ, मेरे ये चीज़ होती है कि मैं ये चीज़ें मानता हूँ कि जो सच है मैं वो बताऊँ, ठीक है, लोगों को। सो कोई फिर चीज़ें नहीं करता इस चीज़ में, ठीक है। सो बाकी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगा इस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मार देना यार। सो एक चीज़ और ऐड कर दूँ जो चीज़ मैंने आपको बताया, तो अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे गद्दे रखे हैं ऐसे ये रखा है पीछे, ठीक है। सो मैं जो हूँ मैं वहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं पीछे पर्दा लगा के बना लूँगा, ठीक है, लोगों से छुपाने के लिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स को पता है यार जो मैं हूँ वो हूँ, ठीक है। सो वीडियो मैं ऐसे बनाता हूँ कि लाइट की प्रॉब्लम हो रही है क्या, सो वीडियो मैं ऐसे बनाता हूँ कि गाइस जो मैं हूँ वो हूँ यार, मैं कोई फेक चीज़ें नहीं करने वाला, मैं शेख नहीं मारने वाला, वीडियो में ये हूँ यार मैं वो हूँ, ठीक है। सो वीडियो बनाने का मोटिव ये था गाइस कि प्लीज़ आप लोग जो हो वो रहो, मतलब रियल बन के रहो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो शुक्रिया दोस्तों।